वी सड़क पर छात्रा के गले पर मजनू युवक ने कई बार किया वार। चाकू से वार छात्रा की हालत गंभीर। झांसी में बीच सड़क पर कोचिंग से लौट रही छात्रा की गर्दन पर एक युवक ने किए चाकुओं से जबरदस्त कई बार। गंभीर रूप से घायल छात्रा को मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। आरोपी युवक की तलाश में पुलिस दे रही दबिश। झांसी में शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नई बस्ती निवासी इंटरमीडिएट की एक छात्रा जब कोचिंग पढ़कर सायंकाल अपने घर लौट रही थी, एक युवक ने मिशन कंपाउंड चौराहे पर चाकू से हमला कर कई बार उस पर वार किए, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई। लोगों की मदद से गंभीर हालत में छात्रा को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां छात्रा की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं घायल छात्रा के परिजनों द्वारा दी गई सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस युवक की तलाश में जुटी है। मौके पर पहुंचे परिजनों के अनुसार करारी का रहने वाला एक युवक आए दिन मेरी पुत्री को परेशान करता था। उसको लेकर कई बार समझाइश भी की गई। रास्ते में उसने छात्रा को रोककर बात करने की कई बार कोशिश भी की गई, लेकिन वो उसका विरोध करती रही, जिसके चलते सोमवार की शाम करारी के रहने वाले आरोपी युवक ने छात्रा की गर्दन पर चाकू से वार कर दिया। वो उसे जान से मार डालना चाहता था। सूचना पर पहुंची पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए दबिश दे रही है। ट्यूशन गई थी, वो थी रास्ते में उसे दानिश नाम का लड़का चाकू से मारने से जान से मारने से कोशिश किया। फिर वो तो अचानक कोई लड़की आ गई, फिर उसने बचाया। तब सर के पास गए, सर वहाँ पे छोड़ के बस भाग गए अस्पताल के सामने। दानिश कौन है, कब से जानते हैं आपको, क्या हुआ था? सर वो 2 साल से परेशान करता था। उसके बाद 3 महीना पहले उसके घर पे हम गए थे, समझाए आए थे, तो माफी भी मांग लिया था कि आज के बाद से हम बात नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे। उसकी मम्मी भी पैर पर रही थी। फिर उसके बाद आज ये घटना हुआ, चाकू मार दिया। कितने बार है चेहरे पे, कहाँ कहाँ चोट लगी है उसको? बहुत ज्यादा लगा है, पीछे पूरा गला कटा हुआ, दो निशान लगी है, लंबे लंबे निशान है। पूरा आगे का गला पूरा यहाँ पे कटा हुआ है, और फिर यहाँ पे कटी है, फिर ओट पे कटा है पूरा। कभी कोई शिकायत थी पुलिस के पास में आप लोगों ने? कभी नहीं, पहले हम शिकायत करेंगे, शिकायत करेंगे तो माफी भी मांग ली। इसकी मम्मी कहाँ, बच्चे की जिंदगी खराब हो जाएगी, इसकी वजह से हमने तो समझा दिया, तो कहा था अब नहीं हम परेशान करेंगे। कब समझाया था आपने? 3 महीना पहले। आज आपकी बेटी का नाम क्या है? नंदिनी वर्मा। आज क्या हुआ था, आज आप क्या मालूम पड़ा बाद में? बाद में मालूम पड़ा कि वो रास्ते में चाकू मार दिया। किस जगह चाकू चलाई? मिशन के पास। कौन है, कहाँ का रहने वाला है? करारी के रहने वाला दानिश खान है। हाँ, दानिश खान। संग कोई और था उसके घटना स्थल पर? नहीं, और नहीं कोई था, अकेला आया था। अकेला था। झांसी से विनोद सोनी की रिपोर्ट।